हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही न्यूमेरिकल देखेंगे। कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हमारे सामने जो है स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है कि एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। प्लेस्ड कर दिए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दो मिरर हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी 70। इन दोनों की फोकल लेंथ दे दी है आपको। पहले मिरर की जो फोकल लेंथ है कन्वेकेव की 10 सेंटीमीटर, दूसरे की जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्केव मिरर। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर के ऊपर रखती है। फर्स्ट रे इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर, पहली रे कनकेव मिरर पे गिर रही है, देन ऑन द कन्वेक्स मिरर, उसके बाद कन्वेक्स मिरर पे गिर रही है। फाइंड द साइज, पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब एक चीज़ इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज शुड बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट तो राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है और हम सोल्व कर देंगे 1/v + 1/u = 1/f को। पर एक्चुअलिटी में जो कार्टेजियन साइन कन्वेंशन अगर आप देखें तो जब हमने कार्टेजियन साइन कन्वेंशन पढ़े थे तो कुछ ऐसा था, ये मेरे पास मिरर है, यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन है, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने मिरर फॉर्मूला यूज़ किया यानी कि डिराइव किया था तब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, इधर ही रखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है तो आप उस डायग्राम को रिवर्स कर सकते हो उसकी सिमेट्री के रिस्पेक्ट में। अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे, देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ कनकेव मिरर को, और उसके बाद इसी के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ये मेरा क्या आ गया, कन्वेक्स मिरर। तो मैंने इनके जो परपेंडिकुलर एक्सिस था उस पर इसको रोटेट कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब देखो अरेंजमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आना है। ये है 30 सेंटीमीटर, ये बीच की डिस्टेंस भी 70 ही रहेगी, ये हाइट भी आपके पास 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब क्योंकि मेरा ये पहला फोकल वो था लेंस था तो F1 आ गई 10 सेंटीमीटर, ये दूसरा है F2 कितनी आ जाएगी आपके पास में 15 सेंटीमीटर। अब जो है आप इसको बड़ा ही इजीली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, अब इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं रहेगी। चलिए ज़रा अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। देखो ये है मेरे पास में कनकेव मिरर, ठीक है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया है 30 सेंटीमीटर पे, ओके। फोकल लेंथ इसकी कितनी दे दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये इसकी फोकल लेंथ हो गई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में एक बार में एक मिरर उठाएंगे, भूल जाएंगे कोई और मिरर भी है, पहले उस सिंगल मिरर के लिए सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व। अब देखो यहाँ पर आंसर मैच करने के लिए आपके जो रे डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर किसी को आते हैं तो। अब रे डायग्राम यहाँ पे कैसे हेल्पफुल होगा, तो देखो मेरे पास में ये था ऑब्जेक्ट, ये फोकस, फोकस का डबल होगी इसकी रेडियस। अगर मेरी फोकस 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20, और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 30 पे। अब मेरा ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने 30 पे, 30 पे रखने का मतलब है बियॉन्ड सी, सी से परे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी से परे रखा है तो हमें पता है हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, यही बनेगी, ठीक है। तो अब हमारा आंसर भी बिटवीन सी एंड एफ आना चाहिए, यानी कि हमें पता लग गया हमारा आंसर 10 एंड 20 के बीच आना चाहिए। चलो ज़रा चेक कर लेते हैं। अब मैं लगा देता हूँ 1/v + 1/u = 1/f, 1/v = 1/f - 1/u, 1/v = मैंने कहा लास्ट में रखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, एफ 10 सेंटीमीटर कनकेव है तो नेगेटिव होगी तो -1/10, नेगेटिव, u क्या हो जाएगा -1/30, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो -1/10 + 1/30, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, 10 3 जा हो जाएगा ये, प्लस में 1,
तो माइनस टू बाई थर्टी हो जाएगा, और वी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो माइनस थर्टी बाई टू कम्स आउट टू बी माइनस 15 सेंटीमीटर। अगर हम देखें, हमें आंसर पहले से ही पता था, बिटवीन 10 एंड 20 आएगा, 15 सेंटीमीटर आया है विद नेगेटिव साइन, यानी कि इसी तरफ लेफ्ट में ही इमेज बनेगी, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो मुझे अब क्या मिल गया है, पहले की वजह से जो मेरी इमेज बनेगी वो मुझे मिल गई है, कि फर्स्ट की वजह से मेरी इमेज बन गई, मान लीजिए यहाँ पर इससे 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, दूसरा मिरर हमारा रखा हुआ है, दूसरा मिरर मैं यहाँ रख देता हूँ, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी है 70 सेंटीमीटर। अब जो पहले मिरर की वजह से जो इमेज बनी है वो दूसरे मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सॉरी, अब देखते हैं, चलिए, अब ये 15 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट और इस मिरर के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, सर 70 माइनस 15 डिस्टेंस हो गई, यही जाएगी, तो कितनी हो गई, 55 सेंटीमीटर। तो यू मिल गया तुम्हें कितना, 55 सेंटीमीटर। फिर से अब इसको आप क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो, 1/v + 1/u = 1/f करके, और आपके पास आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, प्रॉब्लम बड़ी ही इजी है, कम्बिनेशन ऑफ मिरर्स की, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है बस आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब आप इसकी नेचर वगैरह इजिली बता सकते हैं कि भाई पहले मिरर के अंदर नेचर क्या था, रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी, स्मॉल इन साइज बनी थी, दूसरे में इसी तरह से बता सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में सारी इमेजेस क्या बनती हैं, वर्चुअल बनती है, हमें पता है। चलिए जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब कई बार प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कि मेरे सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, मान लो ये प्लेन कोई मिरर है, दीवार पे मान लो रखा हुआ है, थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, मान लो यहां पर कोई प्लेन मिरर है, सॉरी ओके, मान लो ये कोई प्लेन मिरर है, इसके और दीवार के बीच में मान लीजिए कोई डिस्टेंस है 2d, ये मेरी दीवार है मान लो, और इन दोनों के बीच में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो लैंप रख दिया मैंने d डिस्टेंस पर, और मान लो इस दीवार के ऊपर कोई छिपकली जा रही है, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताओ इस दीवार पे कितनी डिस्टेंस तक इस छिपकली को, इस लिजार्ड को, इस मिरर के अंदर इस लैंप की इमेज दिखाई देगी। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सोल्व कैसे करेंगे देखिए, सिंपल ज्योमेट्री लगानी है, सिंपल ज्योमेट्री, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ इस पर, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस पर, ठीक है ना। लेट अस सपोज मैंने मिरर की आपको हाइट भी दे दी है, कि ये हाइट है डी, ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखो अब इस छिपकली को कब तक इमेज दिखाई देगी, जब तक इस लैंप से आने वाली रेज इस मिरर से टकराएं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट और इस छिपकली की आइज में जाएं, इसी तरह से यहाँ पर भी लैंप से आने वाली इमेज यहाँ टकराए, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो और इस छिपकली की आइज में जाएं, तो जब तक इस छिपकली की आइज में ये रेज जाएंगी तब तक इसको इसकी क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, उसके बाद इमेज दिखाई नहीं देगी। तो मुझे पता लग गया कि इस छिपकली को यहाँ से यहाँ तक जो है वाई डिस्टेंस तक अपनी इस लैंप की इमेज दिखाई देगी। अब इस वाई डिस्टेंस में ये डिस्टेंस तो मुझे पता लग गया है डी है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है और साथ में ये डिस्टेंस निकालनी है। लेट अस सपोज ये कोई h1 है मान लो, ये कोई h2 है मान लो, तो टोटल डिस्टेंस वाई क्या हो जाएगी, h1 + h2 + d। अब मुझे h1 निकालनी है, चलो जरा h1 निकाल लेते हैं। देखिए ये इनके बिल्कुल बीच में रखा हुआ था, ठीक है, चलो ये मैंने ट्रायंगल कंप्लीट कर दी। अब ये एंगल आई, ये आर सेम होंगे दोनों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सेम होंगे, ये एंगल भी फिर सेम होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा दोनों ट्रायंगल्स के लिए। अब आपको पता लग गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगा, तो ये कितना था, d/2, बीच में था तो इसके बिल्कुल d/2 है ये डिस्टेंस,
ये साइड इसकी कॉमन है तो ये रेशियो क्या वन, अगर ये डी बाई टू है तो ये भी क्या बनेगा डी बाई टू बनेगा। सिमिलरली ऊपर वाला भी क्या बनेगा तुम्हारे लिए डी बाई टू बनेगा। अब तुम्हें एच वन मिल गया, तुम्हें एच टू मिल गया, तुम इजिली क्या निकाल सकते हो वाई निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।